नमस्कार, मैं मंदार जामसांडेकर, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लर्निंग चार्ट्स के सेशन में बहुत सारे स्टॉक्स पे टेक्निकल व्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिन्हें मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स ने सजेस्ट किया हुआ है कि इन पे टेक्निकल व्यू देख लिया जाए। तो पहली शुरुआत करते हैं विप्रो से। ये मिस्टर विशाल ने भेजा हुआ है कि उन्हें इस स्टॉक पे व्यू देखना है कि विप्रो कैसे लगता है। तो चलते हैं चार्ट पे। अभी यहाँ पे मैंने विप्रो का चार्ट खोला हुआ है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब कभी आपको किसी चार्ट पे व्यू बनाना हो तो सबसे पहले शुरुआत करनी है मंथली टाइम पीरियड से। सो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड टॉप में दिखेगा मंथली, यानी एक कैंडल जो आपके सामने दिख रही है वो एक महीने की है। तो विशाल जी, अगर आप ये चार्ट देखो तो 2003 से लेके 2019 तक का ये चार्ट खुला हुआ है, आपको क्लियर कट एक चीज तो दिखेगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। इतने सालों से स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस करते हुए ऊपर में जा रहा है। अब अगर पिछले अगर 4 महीने का ट्रेड देखो तो 4 महीने में करेक्शन दिखाई दिया है, जो प्राइस को 300 रुपये से 250 रुपये तक नीचे ले आया है। अब फिलहाल अगर करंट लेवल पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर सकता हूँ। ये लाइन जो मैंने प्लॉट की हुई है, इसे ये जो टॉप्स हैं मार्च 2015 के, और बाद में ये जो टॉप्स हैं यहाँ पे अक्टूबर 2018 से लेके 18 से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सारे टॉप्स यहाँ पे ज्वाइन करके ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया हुआ है। तो ये सपोर्ट बनता है करीबन 250 रुपये के करीब, और फिलहाल जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 250 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज एक्चुअली बनेगा सिंगल लेवल, हाँ, तो ये आपको दिखेगा कि ये 250 के करीब यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए, और फिलहाल स्टॉक उसी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अब ये मंथली चार्ट है, तो ये मंथली चार्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट होगा ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लेकिन ये हमें बताता है कि यस, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे, यानी डेली टाइम पीरियड पे। तो अगर डेली टाइम पीरियड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ये जो हमने मंथली टाइम पीरियड पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट की हुई थी वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगी कि कितना इम्पोर्टेंट लेवल है ये। तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 250 लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ था इतने महीनों के लिए, फिर ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यानी जैसे टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं कि वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स अ सपोर्ट, एंड वंस अ सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक कर लिया, 300 रुपये तक गया था स्टॉक ऊपर, और फिर से ये करेक्शन स्टॉक को वहीं पर लेके आया है। तो फिलहाल ये 250 का सपोर्ट आपने देखना चाहिए। अगर ये 250 ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बनता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट ये 240 और 230 के बीच में, ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए। लेकिन फिलहाल 250 का सपोर्ट है वो आपने देखना चाहिए। 250 ब्रेक होता है तो 240-230 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर रिस्पेक्ट होता है, यानी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अगर ये 250 का जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट ऐसा मान के चलते हैं, तो आइडियली यहाँ पे बाइंग आना चाहिए जो स्टॉक को ऊपर ले जा सकता है। लेकिन एक ध्यान में रखना है कि स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है इसलिए स्टॉक ऊपर जाएगा इसकी कुछ संभावना नहीं होती। स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो तो। पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है, सबसे बेहतर जो होता है वो होता है अर्निंग्स। तो कंपनी का बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे स्टॉक पक्का सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट ही नहीं लेगा तो वहाँ से
ऊपर भी जाएगा, एक नया हाई भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए लगता है अर्निंग्स, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो न्यूज़ होता है, न्यूज़ स्टॉक के लिए ऊपर ले जा सकता है, लेकिन वो एक सस्टेंड अप मूव में नहीं रख सकता। तो फिलहाल एक पॉजिटिव है कि ये स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, 250 का लेवल देख के आपने चलना चाहिए। तो ये हो गया मिस्टर विशाल का विप्रो। अब दूसरा देखते हैं आईटीसी। ये मिस्टर कल्याण कुलकर्णी जी ने इस पे व्यू लेने के लिए कहा है। तो स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम पीरियड चार्ट से। अभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक 249-250 के लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया हुआ है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है आईटीसी का, आपको दिखेगा 2003 से लेके 2019 तक का चार्ट है। अब ये 250 का लेवल कितना इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2013 से लेके 2016 तक करीबन 3 साल ये जो लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था स्टॉक के लिए। और ये जब जब स्टॉक प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, उसके बाद में ये लेवल एक सपोर्ट लेवल बन गया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2017 में प्राइस ने सपोर्ट लिया है। लेकिन अब ये फिलहाल करंट कैंडल अगर देखते हैं, ये करंट मंथली कैंडल है जो कंप्लीट हुई नहीं है, वो ऑन द लास्ट डे ऑफ ऑगस्ट कंप्लीट होगी। अब फिलहाल अगर ये मंथली कैंडल देखते हैं तो ये करंट कैंडल ने ये जो 250 लेवल का सपोर्ट था वो तो ब्रेक कर दिया। अब अगर ये ब्रेक होता है और ये कैंडल और प्राइस अगर 250 के नीचे ट्रेड होता है, तो इसका मतलब है कि प्राइस में वीकनेस बिल्ड हो रहा है। तो ये वीकनेस प्राइस को कहाँ तक नीचे ला सकता है, तो ये सपोर्ट लेवल्स आपको दिखेगा यहाँ पे। 220 का पहला सपोर्ट बनता है और दूसरा सपोर्ट बनता है करीबन 190 के करीब। सो 220 और 190 के दो अगले सपोर्ट्स में बनते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 220 और 190, जो अलग लेवल्स है। अगर इस स्टॉक में स्ट्रेंथ फिर से आना हो तो ये स्टॉक ने 250 रुपये के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। अगर 250 के ऊपर ट्रेड होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ वापस आ रहा है। अगर ये नहीं होता है तो ये स्टॉक एक बार नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो टेस्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। अब शॉर्ट टर्म चार्ट पे अगर आते हैं तो शॉर्ट टर्म पे आपको वो ये ट्रेंड क्लियर कट दिखेगा। यहाँ पे ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक किया, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ चार्ट, यानी आपको दिखेगा। ये देखिए, अगर ये 13 अगस्त का अगर आप कैंडल देखो तो यहाँ पे स्टॉक ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन उसके अगले 3 दिन ये स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर पाया, यानी इमीडिएट ये स्टॉक ये 250 के 2 दिन बाद 250 के ऊपर चले गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। इसका सीधा मतलब है कि स्टॉक में वीकनेस है। अगर स्ट्रेंथ वापस आना हो तो स्टॉक ने 250 के ऊपर ट्रेड करना है। जिस दिन 250 के ऊपर ट्रेड करेगा उस दिन हम कह सकते हैं कि हाँ, शायद स्टेन वापस लौट के आ रहा है, लेकिन उसके लिए भी कंफर्मेशन के लिए रुकना है। तो फिलहाल तो ये स्टॉक में 250 के नीचे जब तक ट्रेड होता है तब तक वीकनेस रहेगा। नीचे में सपोर्ट्स है 220 इज द फर्स्ट सपोर्ट, वहां पे आप एक रिव्यू ले सकते हो। तो कल्याण जी, ये रहा आपका आईटीसी का व्यू। अब आते हैं अगले स्टॉक पे, ये है टाटा मोटर्स। ये स्टॉक हमें रिक्वेस्ट की है मिस्टर कपिल। कपिल जी, आपका स्टॉक टाटा मोटर, क्या बोल सकते हैं। अब मैं जरा यहाँ पे जो स्टडी किया हुआ है वो डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ये है लॉन्ग टर्म चार्ट टाटा मोटर्स का। तो यहाँ पे तो क्लियर वीकनेस दिखता है, स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में है और पिछले 2-2.5 साल से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो ये कहाँ तक गिर सकता है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स दिखते हैं, आपको भी दिखेंगे यहाँ पे। ये जो लोज है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं, यानी
एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एक ये हो गया, लेकिन ये तो ब्रेक हो चुका है। अब इसके नीचे मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे भी एक लेवल है, वो भी ब्रेक हो चुका है, लेकिन तो ये हमने अब लेवल्स प्लॉट किए हुए हैं। और लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपको दिखेगा ये जो पहले 137 और ये दूसरा जो 126 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने प्लॉट किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोज हैं जिन्हें ज्वाइन करके ये लाइन प्लॉट किया हुआ है। ये यहाँ पे भी आपको एक लो दिखेगा, उसके बाद का जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट्स दिख रहे हैं, तो ये नेक्स्ट लेवल हमने प्लॉट करके रख दिया है। ओके, अब ये फिलहाल यहाँ पे, तो अगर आप ये मंथली चार्ट देखो, फिर से मंथली कैंडल अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये अगर कैंडल देखते हैं तो ये कैंडल ने ये जो दो सपोर्ट लेवल्स थे 137 और 126 के, वो तो प्राइस ने ब्रेक कर दिए और प्राइस फिलहाल इसके नीचे ट्रेड हो रहा है। सो 111 इज द करंट प्राइस, तो ये तो क्लियर डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है इसमें। अब आते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये शॉर्ट टर्म चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये देखो, यहाँ पे हमने वो दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो प्लॉट किए हुए थी, सो 126 ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हुआ और यहाँ से स्टॉक गिर चुका है। अब अगर इस स्टॉक में अगर स्ट्रेंथ वापिस आना हो, तो सबसे पहली बात तो है कि ये स्टॉक ने ये जो रेजिस्टेंस हमने प्लॉट किए ये ब्रेक करके ऊपर ट्रेड होना चाहिए। जब कभी ये होगा तब हम एक रिव्यू कर सकते हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है, लेकिन जब तक ये स्टॉक ये बैंड के नीचे ट्रेड होगा तब तक वीकनेस रहेगा। अब फ्राइडे को फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया हुआ है ऑटो सेक्टर रिवाइवल के लिए, अब उसके वजह से अगर इस स्टॉक में कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिलता है तो वो तो प्राइस डेवलप होने के बाद, यानी अगले हफ्ते में वो हम रिव्यू करके देख सकते हैं। लेकिन चार्ट पे आपको अगर वो देखना हो कि स्ट्रेंथ वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप ये दो लेवल्स पे ध्यान रख सकते हो। पहला हो गया 126 विच इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, और दूसरा हो गया 137 विच इज द सेकेंड रेजिस्टेंस। तो अगर जो कुछ अनाउंसमेंट है वो पॉजिटिव है और उससे टाटा मोटर्स पे फर्क पड़ने वाला हो, तो टाटा मोटर्स ने ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक करनी चाहिए। अगर जब करता है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ वापस आ रहा है और उसके बाद में अगला व्यू हम डिस्कस कर सकते हैं। ये रहा टाटा मोटर्स। कपिल जी, आपका दूसरा स्टॉक है ONGC। अब ONGC लॉन्ग टर्म स्टॉक से लॉन्ग टर्म चार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे इस स्टॉक ने अब ये 1995 से लेके 2019 तक का आपको पूरा चार्ट दिख रहा है, ये लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप ओवरऑल चार्ट देखो तो आपको दिखेगा कि पिछले 10 साल में तो ये स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। तो 10 साल में 2008 में भी स्टॉक ये 200 के करीब ट्रेड कर रहा था और अब तो उसके नीचे ही है, लेकिन ओवरऑल वो रेंज में है। ओके, अब फिलहाल अगर करंट लेवल अगर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट, ये एक सपोर्ट लेवल बनता है वो है 124 और दूसरा सपोर्ट लेवल बनता है 100 रुपीज़। सो 124 और 100 के बीच में सपोर्ट है। फिलहाल 124 का लेवल ब्रेक हो चुका है, प्राइस उसके नीचे है, तो अगर 124 का लेवल ब्रेक होता है और प्राइस उसके नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो ये अगला जो सपोर्ट है 100 रुपीज़ का, वहाँ तक आने की संभावना है। तो ये अगला सपोर्ट हो गया। अगर इस स्टॉक में स्ट्रेंथ फिर से आना हो तो ये स्टॉक ने 124 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करना चाहिए। अगर वैसे होता है तो फिर ऊपर वाले टारगेट्स भी हम डिस्कस कर पाएंगे। अब ये हो गया मंथली व्यू, आते हैं डेली पे। अगर आप डेली चार्ट देखो तो एक पॉजिटिव यहाँ पे दिखता है,
और वो है कि इतने डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट टाइम ये इतना बड़ा जो आपको बाइंग का कैंडल यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत अरसे के बाद हुआ है। इतना डाउन ट्रेंड होने के बाद, 1-1.5 महीने के डाउन ट्रेंड के बाद हमें इतना एक अच्छा स्ट्रांग बाइंग कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। सो ये पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी फिलहाल रेजिस्टेंस के नीचे है। तो अगर ये स्ट्रेंथ इसमें वापस आ रहा है तो जैसे मैंने कहा ये रेजिस्टेंस के ऊपर इस स्टॉक ने ट्रेड करना है। जब करेगा तब हम ऊपर का रिव्यू कर सकते हैं। ये रहा ONGC, उसके बाद में आते हैं बर्जर पेंट्स पे। बर्जर के मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, अब ये मंथली चार्ट अगर आप देखो तो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल से ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये पॉजिटिव है। अगर आप पिछले 1 साल का अगर आप ये चार्ट देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टॉक ने बहुत सारे रेजिस्टेंसेस बना के रखे थे खुद के लिए। सो राइट फ्रॉम 350 से 330 से लेके ऊपर में 350 के तक, 330 और 350 के बीच में यहाँ पे आपको बहुत सारी ये टॉप्स दिखेंगे। 1 साल की ये सारे टॉप्स है और फिलहाल ये जो करंट कैंडल है उस कैंडल ने ये सारे टॉप्स को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ जा चुका है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन एक में ध्यान में रखना है कि ये कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, मंथली कैंडल है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ ये कंफर्म होगा कि ब्रेकआउट है या नहीं है। लेकिन सो लेवल कौन सी वॉच करनी है, तो ये लेवल्स वॉच करनी है 330 और 350 की। तो ये 330-350 लेवल्स जो 1 साल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, तो अब जब प्राइस उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है तो ये लेवल्स अब एक रेजिस्टेंस का काम, सॉरी एक सपोर्ट का काम करेगी। सो ये हो गया बर्जर का सपोर्ट। अब शॉर्ट टर्म चार्ट पे आते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो ये एक बड़ा मूव यहाँ पे पिछले 1 महीने में देखने को मिला है। 305 से ये स्टॉक सीधा 365, 368 तक ऊपर जा चुका है। तो पॉसिबली ये 20% की जो ये मूव, 20% की जो ये अप मूव आपको दिख रही है उसके वजह से शायद ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा प्राइस नहीं नीचे ही आना है। प्राइस प्राइस शायद कंसोलिडेट भी हो सकता है, यानी साइडवेज ट्रेंड में से भी गुजर सकता है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो फिलहाल तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। आपका सवाल था कि क्या मैं इसे शॉर्ट कर सकता हूँ, तो आइडियली ऐसे स्टॉक्स में शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक क्लियरली आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है। अगर ट्रेंड रिवर्स होता है या कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है टॉप में तो शायद व्यू चेंज होगा और उस केस में आप शायद शॉर्ट वाला ट्रेड ले भी सकते हो, लेकिन फिलहाल वैसे दिख नहीं रहा है। तो करेक्शन आ सकता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने शॉर्ट सेल करना चाहिए। ये रहा बर्जर पेंट्स। अब चलते हैं अगला स्टॉक, वो है अपोलो हॉस्पिटल। जुगल जी ने ये रिक्वेस्ट की है अपोलो हॉस्पिटल का व्यू, तो स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। जुगल जी आपको दिखेगा कि ये स्टॉक पिछले 8-10 महीनों से एक अच्छे अप ट्रेंड में है। तो ये 900-920 का लो करने के बाद सीधा ये स्टॉक जो फिलहाल जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है 1450 की, वहां तक ये अब बढ़ चुका है। अब करंट लेवल पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारा रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए। तो ये रेजिस्टेंस स्टार्ट होते हैं यहाँ से 1480 से लेके, सो ये 1480 पे एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की हुई है, यहां से लेके ये ऑल टाइम हाई जो है 1545 का, यहां तक आपको दिखेगा कि ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है ये स्टॉक के लिए। और अगर आप करंट कैंडल देखो तो उस कैंडल ने भी ये लेवल्स में रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये प्राइस यहाँ पे अटकेगा। अगर ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करना हो तो ये कब ब्रेक होगा, जब ऑन द बिजनेस फ्रंट कुछ तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो रहा है
तब उस केस में ये प्राइस ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर सकता है कि जिस केस में एक्सट्रीमली पॉजिटिव प्राइस फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो जब कब होगा तब हम उस पे रिव्यू फिर से एक बार कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे आपने ये रेजिस्टेंस देखना है 1480 और 1545 का। अगर अब हम शॉर्ट टर्म चार्ट पे आते हैं तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये प्राइस अब पिछले 4 दिन से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर आगे जाके इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होने हो तो प्राइस ने ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है उसने ब्रेक करना चाहिए। अब ऐसे एग्जांपल्स में जब ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट आपने डेली या वीकली पे नहीं देखना है, उसे आपने मंथली पे देखना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है और लॉन्ग टर्म पैटर्न के लिए आपने मंथली का कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। ऐसे हो सकता है कि डेली चार्ट आपको एक बार 1545 के ऊपर का क्लोज दे दे, लेकिन मंथली को फिर से वो स्टॉक नीचे आ जाए और रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज दे जाए। ऐसा हो सकता है जिस केस में डेली चार्ट पे फेल्योर हो सकता है, तो उस वो अवॉइड करने के लिए अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपने मंथली चार्ट के मंथली क्लोजिंग पे आपने कंफर्मेशन देखना है स्टॉक में ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। तो ये रहा अपोलो हॉस्पिटल, और अब आते हैं अंबिका कॉटन। ये मिस्टर पंकज हैं, इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, अंबिका कॉटन, टाटा एलेक्सी और यूकिन। तो ये 3 स्टॉक्स हम देखेंगे, पहला है अंबिका कॉटन। अब अंबिका कॉटन का ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। पंकज जी आप देखो इस चार्ट की तरफ, क्या लगता है आपको क्या हो रहा है? ओवरऑल अगर 10 साल का चार्ट देखो तो अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर पिछले 1.5 साल, 1.5-2 साल का अगर चार्ट देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक करेक्शन में है या डाउन ट्रेंड में है। अब ये कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो ये सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे बनती है। देखो ये 780 से स्टार्ट होती है और 710 के करीबन तक आ जाती है। सो ये सपोर्ट ऐसी लेवल्स है कि जहाँ से इन 2015 ये स्टॉक सपोर्ट लेने के बाद ऑल टाइम हाई तक 1800 रुपये तक ऊपर चल चुका था, इसलिए ये सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 840 पे, तो अगर ये करेक्शन कंटिन्यू होता है तो ये कहाँ तक आ सकता है, तो ये सपोर्ट लेवल्स तक आ सकता है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे। शॉर्ट टर्म पे भी आपको वही दिखेगा, ये स्टॉक लो वॉल्यूम्स ट्रेड करता है नॉर्मली। ये देखो यहाँ पे आपको एक क्लियर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अगर वो सपोर्ट लेवल अगर रिस्पेक्ट करता है तो वहाँ पे कुछ तो एक ऐसा इंडिकेशन, प्राइस फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो हमें बताएगा कि हाँ उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से शायद एक चेंज ऑफ ट्रेंड होने की संभावना है। सपोर्ट तक नहीं, अगर उसके ऊपर भी होता है तो भी हम रिव्यू करेंगे, फिलहाल तो ये स्टॉक करेक्शन में है। अब आते हैं टाटा एलेक्सी पे। पंकज जी अब ये टाटा एलेक्सी का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखो तो ये आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे तो स्टॉक के लिए सपोर्ट बनता है और वहाँ पे शायद फिलहाल तो रिस्पेक्ट कर रहा है वो लेवल को, 600 और 610 के बीच में स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। और जो फिलहाल जो करंट कैंडल है वो कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेके रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन ये कैंडल मंथली है, फॉर्म नहीं हुई है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ कंफर्म हो जाएगा ये। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक बड़े करेक्शन के बाद। अब आते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे। अब अगर ये शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं डेली चार्ट, तो ये पिछले 1 महीने में ये जो गिरावट यहाँ आपको देखने को मिल रही है 925 से लेके ये स्टॉक जो 600 तक नीचे आ चुका था, ये यहाँ पे एक साइडवेज काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन से गुजर चुका है और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था
शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 640 के करीब, 640-641 के करीब, वो करंट कैंडल ने इसे ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। अब अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे अगर बाइंग आना हो, तो ये स्टॉक ने 640, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन फिलहाल प्लॉट की है, तो इस स्टॉक ने 640-641 के ऊपर ट्रेड होना जरूरी है। अगर वो होता है तो स्टॉक शायद ऊपर की तरफ 740 या 760 ये स्टॉक मूव हो सकता है। लेकिन आपने ये 640 का लेवल है जो वॉच करना है फॉर द नेक्स्ट वीक, और देखना है कि ये 640 के ऊपर सस्टेन होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो स्ट्रेंथ फिर से आ रहा है, हम रिव्यू करेंगे चार्ट को। ये रहा टाटा एलेक्सी। अब ये है यूकिन, ये बीएससी से मैंने खोला हुआ चार्ट है। अब अगर आप ये स्टॉक देखो तो इसमें 2016 से लेके 2018 के बीच में ये स्टॉक 60-70 रुपीज से ये स्टॉक 1250 के करीब ये स्टॉक ने एक बड़ा सा रैली हमें दिखाया है। अब जब कभी इतना बड़ा रैली आपको देखने को मिलता है तो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि उसके आगे के 3 साल जो होते हैं वो स्टॉक कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है, वो स्टॉक को एक करेक्शन से गुजरना होता है। तो फिलहाल अगर आप देखो तो ये स्टॉक यहाँ पे तो सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक लेवल आपने वॉच करना चाहिए। ये लेवल है 424-420 का, तो ये एक सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक में, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो अगर आपका पोजीशन है तो इसके ये सपोर्ट लेवल के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। अब ये शॉर्ट टर्म चार्ट पे आते हैं, तो शॉर्ट टर्म चार्ट हमें बताता है कि पिछले एक 3 हफ्तों में ये स्टॉक 425 और 510-520 के बीच में एक स्टॉक ने खुद के लिए एक रेंज बनाया हुआ है, और ये रेंज में आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये पिछले 3 हफ्तों में ये रेंज के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये दो लेवल्स आप ट्रैक कीजिए, 520 ऑन द हायर साइड और 420-425 ऑन द लोअर साइड। ये 100 रुपये का स्टॉक के लिए रेंज है, शायद स्टॉक एक बेस बनाएगा और उसके बाद में एक डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकता है। तो जब कभी डायरेक्शन डिसाइड करेगा तब हम रिव्यू भी कर सकते हैं, आपको भी मालूम पड़ेगा। और 520 के ऊपर अगर मूव होता है तो उसका मतलब ये होता है कि स्टॉक ने डायरेक्शन ऊपर की तरफ का डिसाइड किया हुआ है। अगर नीचे में मूव होता है 420 के नीचे तो, और आपका अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये रहा व्यू यूकिन पे। तो ये स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, ये सारे आपको देखने थे इसलिए हमने डिस्कस किए। ऐसे ही आपको अगर आपके स्टॉक्स पे टेक्निकल व्यू देखना हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप पे भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है 02066868686। आप जब स्टॉक का नाम भेजोगे तो उसके साथ में आपका भी खुद का भी नाम भेजना, यानी जब वीडियो अपलोड होगा तब हम आपको अपडेट कर पाए। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब कभी एक नया वीडियो अपलोड होगा आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलेगा, आप मिस आउट नहीं करोगे। आपको मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.authormandar.com। आपको अगर ट्रेनिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.precisiontechnicals.com विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको और कुछ क्वेरीज हो तो आप फ़ोन पे भी सॉल्व करा के ले सकते हैं। हमारा नंबर है 02066868686। हमारा सपोर्ट सुबह 8 से लेके रात को 12 बजे तक होता है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो मंडे टू सैटरडे। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों एक लास्ट वर्ड, हर एक स्टॉक में स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए,
उससे आपका लॉस लिमिट होगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना आता नहीं है तो हमारा ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, वहाँ पे सीखिए और उसके बाद में स्टॉक मार्केट में काम कीजिए। तो आज आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया, इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार चामसांडेकर।